हेलो एवरीवन, आज मैं न्यूज़ आर्टिकल की हेल्प से आप लोगों की इंग्लिश प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। सो न्यूज़ आर्टिकल किस बारे में है? अभी काफ़ी न्यूज़ चल रही है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, तो ये बैन होने वाले हैं, ये न्यूज़ चल रही है। अब हुआ क्या था, फेब 2021 में जो गवर्नमेंट है उन्होंने कुछ नए IT रूल्स इनको दिया था कि भाई आप इन सबको, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन्हें ये IT रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं, और 3 महीने की गाइडलाइन मतलब डेडलाइन की समय सीमा जो है 3 महीने की डेडलाइन दी हुई थी, लेकिन अभी तक वो चीज़ किसी ने फॉलो नहीं किया। तो उस चीज़ की वजह से चल रहा था कि क्या ये बैन हो जाएंगे। और अभी फेसबुक सामने आया है और फेसबुक ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी है, फेसबुक ने कुछ कहा है इसके बारे में। सो क्या है वो फेसबुक की प्रतिक्रिया, फेसबुक ने क्या बोला है इस चीज़ के बारे में, ये आर्टिकल उस चीज के ऊपर है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए हेडलाइन है, एज न्यू IT रूल्स कम इनटू फोर्स ऑन May 26th। अब कम इनटू फोर्स का मतलब होता है लागू होना, रूल्स कम इनटू फोर्स का मतलब होता है नियमों का लागू होना। सो अगर मैं इसको बिल्कुल ग्रामेटिकल देखूं, सो एज न्यू IT रूल्स कम इनटू फोर्स ऑन May 26th, कि जैसे नए IT रूल्स, नए IT के नियम लागू होते हैं May 26th को, ये बना इसका प्रॉपर ग्रामेटिकल फॉर्मेट। लेकिन न्यूज़ आर्टिकल्स में जो हेडलाइंस होती हैं वो आप देखेंगे कि ज़्यादातर मोस्टली आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही फॉर्म में मिलेंगी, लेकिन जो उनका सेंस होता है वो फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है। सो इसका जो सेंस बन रहा है ना, एज न्यू IT रूल्स कम इनटू फोर्स ऑन May 26th, 26 मई से नए IT नियम लागू होने के बाद, ठीक है, या फिर 26 मई से नए IT नियम लागू होते हैं, फेसबुक सेज इट एम्स टू कंप्लाई। फेसबुक का कहना है कि इसका पालन करना है। फेसबुक कहती है इट एम्स टू कंप्लाई, कि उनका लक्ष्य है इसका पालन करना, कि वो इस चीज़ का लक्ष्य रखती है इसका पालन करने का। सो फेसबुक का कहना है कि इसका पालन करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है सोशल मीडिया जायंट। अब देखिए जायंट का मतलब होता है दिग्गज, किसी भी फील्ड में जो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, तो वो उस चीज़ में दिग्गज होती है, तो जायंट हम उस चीज़ को बोलते हैं। सो सोशल मीडिया जायंट फेसबुक ऑन ट्यूजडे सेड, ठीक है, सोशल मीडिया जायंट फेसबुक ने मंगलवार को कहा, सोशल मीडिया जायंट फेसबुक ऑन ट्यूजडे सेड, सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने मंगलवार को कहा इट एम्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियाज न्यू IT रूल्स ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें सीखने वाली हैं, प्रोविजंस का मतलब होता है प्रावधान, ठीक है, और यहाँ पे जो इंटरमीडियरीज लिखा हुआ है, इंटरमीडियरीज का मतलब होता है बिचौलिया, बिचौलियों, ठीक है, इंटरमीडियरीज का मतलब होता है बिचौलियों। अब देखिए यहाँ पे बिचौलियों का क्या सेंस आ रहा है, मतलब दो देशों के बीच में कुछ समझौते की जो चीज़ें होती हैं, सो उस चीज़ के लिए यहाँ पे इस टर्म का यूज़ किया गया है इंटरमीडियरीज। अब यहाँ पे वो क्या चीज़ है, इंडियाज न्यू IT रूल्स ऑफ इंटरमीडियरीज, कि भारत के जो नए IT के नियम हैं बिचौलियों के, ठीक है, मतलब देशों के बीच में समझौते के जो नए IT के नियम हैं, ठीक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, इट एम्ड टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियाज न्यू IT रूल्स ऑफ इंटरमीडियरीज, कि उसका लक्ष्य भारत के बिचौलियों के नए IT नियमों के प्रावधान का पालन करना है, कि उसका लक्ष्य जो भारत के बिचौलियों के IT नियम हैं, मतलब इन दोनों देशों के समझौतों के लिए जो IT नियम है, IT के कानून हैं, ठीक है, तो इन प्रावधानों का पालन करना है, जो प्रावधान है, जो प्रोविजन्स है, इनका पालन करना है। सो पूरा सेंस क्या बना, सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने मंगलवार को कहा है कि उसका लक्ष्य भारत के बिचौलियों के नए IT नियमों के प्रावधानों का पालन करना है। सोशल मीडिया जायंट फेसबुक ऑन ट्यूजडे सेड इट एम टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ इंडियाज न्यू IT रूल्स ऑफ इंटरमीडियरीज, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है विच कम इंटू इफेक्ट ऑन वेंसडे, विच कम इंटू इफेक्ट ऑन वेंसडे। अब इसका मतलब क्या बना, जो बुधवार से लागू होंगे, मतलब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, लेकिन जो सेंस है वो फ्यूचर का है। क्यों है फ्यूचर का सेंस, क्योंकि न्यूज़ ट्यूसडे की है और जब यहाँ वेंसडे की बात चल रही है, सो ऑब्वियसली वो फ्यूचर की ही बात हो रही है। विच कम इन टू इफेक्ट ऑन वेंसडे, जो बुधवार से लागू होंगे, ठीक है। द यू एस हेडक्वार्टर्ड फर्म एडेड, ठीक है, अब इतने आप समझिए, द US हेडक्वार्टर्ड फर्म एडेड, अमेरिकी मुख्यालय वाली फर्म ने कहा,
अमेरिकी मुख्यालय, मुख्यालय मतलब हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर्ड फर्म। अब हेडक्वार्टर्ड फर्म जो ईडी और फर्म लगाया हुआ है, तो इसका सेंस बन रहा है मुख्यालय वाली फर्म, ठीक है। सो अमेरिकी मुख्यालय वाली फर्म ने कहा, क्या कहा, एडिट का मतलब होता है कि मतलब उसने बाद में कुछ ऐड किया, उसने कहा, तो वो कहने में ही आता है फर्म एडिट दैट इट कंटिन्यू टू डिस्कस द इशू। अब पहले आप इतना समझिए, दैट इट कंटिन्यू टू डिस्कस द इशू ने कहा, उसने सरकार के साथ जारी रखा है डिस्कस करना इश्यूज को। इश्यूज मतलब जो भी इसमें इशू, जो भी इसमें जानकारी आ रही है, जो भी इसमें बात आ रही है। सो यहाँ पे क्या बना, अमेरिकी मुख्यालय वाली फर्म ने कहा कि उसने सरकार के साथ डिस्कस करना जारी रखा है द इश्यूज रिलेटेड टू द न्यू गाइडलाइंस, द इश्यूज रिलेटेड टू द न्यू गाइडलाइन विद द गवर्नमेंट, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस बताता हूं मैं आपको, द यूएस हेडक्वार्टर फर्म एडेड दैट इट कंटिन्यू टू डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू द न्यू गाइडलाइंस विद द गवर्नमेंट, ठीक है। अमेरिकी मुख्यालय वाली फर्म ने कहा कि उसने सरकार के साथ नए दिशा निर्देशों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखा, ठीक है। तो क्या बना, इट कंटिन्यू टू डिस्कस, उसने चर्चा करना जारी रखा द इश्यूज रिलेटेड टू द न्यू गाइडलाइंस, ठीक है, द इश्यूज रिलेटेड टू द न्यू गाइडलाइन, दिशा निर्देशों से संबंधित मुद्दों पर, दिशा निर्देशों से संबंधित मुद्दों पर विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ, ठीक है। तो उसने सरकार के साथ नए दिशा निर्देशों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखा, ठीक। नेक्स्ट, अब जो नेक्स्ट यहां पे पैराग्राफ है वो ये दिया हुआ है, रिप्लाइंग टू अ क्वेरी, मतलब एक प्रश्न का जवाब देते हुए, रिप्लाइंग टू अ क्वेरी। अब क्वेरी क्या होता है, कोई सवाल, कोई डाउट। सो रिप्लाइंग टू अ क्वेरी, एक सवाल का जवाब देते हुए, ऑन इट्स रेडीनेस। अब रेडीनेस का मतलब यहाँ क्या, तत्परता, कि मतलब अपनी तत्परता पर एक सवाल का जवाब देते हुए, रेडीनेस टू कंप्लाई विद द न्यू गाइडलाइंस, ठीक है। सो पूरा सेंस क्या बना, रिप्लाइंग टू अ क्वेरी ऑन इट्स रेडीनेस टू कंप्लाई विद न्यू गाइडलाइन, नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए अपनी तत्परता पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, रिप्लाइंग टू अ क्वेरी, एक उत्तर देते हुए सवाल का, ऑन इट्स रेडीनेस, अपनी तत्परता पर, टू कंप्लाई विद द न्यू गाइडलाइंस, नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए, ठीक है। सो पूरा सेंस क्या बना, नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए अपनी तत्परता पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, फेसबुक स्पोक पर्सन सेड, फेसबुक स्पोक पर्सन सेड, फेसबुक के जो स्पोक पर्सन है मतलब प्रवक्ता, फेसबुक के प्रवक्ता ने कहा, अ फेसबुक स्पोक पर्सन सेड, एक फेसबुक प्रवक्ता ने कहा, वी एम टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस, ठीक है, हम कि यहाँ पे क्या है, वी एम, लक्ष्य है हमारा ये, वी एम टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द आईटी रूल्स, हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है, वी एम टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द आईटी रूल्स, हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है, एंड कंटिन्यू टू डिस्कस अ फ्यू ऑफ द इश्यूज, एंड कंटिन्यू टू डिस्कस अ फ्यू ऑफ द इश्यूज, फ्यू ऑफ द इश्यूज का मतलब कुछ जो इश्यूज हैं उनके, उनमें से कुछ, ठीक है। तो क्या बना, एंड कंटिन्यू टू डिस्कस अ फ्यू ऑफ द इश्यूज, और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है, ठीक है, कंटिन्यू मतलब जारी रखना, और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है विच नीड मोर एंगेजमेंट विद द गवर्नमेंट, एंगेजमेंट मतलब जुड़ाव, उनका जुड़ना, उनका जुड़े रहना, सो विच नीड मोर एंगेजमेंट विद द गवर्नमेंट, जिन्हें सरकार के साथ और अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है, जिन्हें सरकार के साथ और अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है। सो पूरा यहाँ पे क्या बना, कि फेसबुक के स्पोक पर्सन ने बोला, वी एम टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द आईटी रूल्स एंड कंटिन्यू टू डिस्कस अ फ्यू ऑफ द इश्यूज विच नीड मोर एंगेजमेंट विद द गवर्नमेंट, फेसबुक प्रवक्ता ने कहा, हमारा लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना है और कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा करना जारी रखना है जिन्हें सरकार के साथ और अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है, ठीक है जी। अब इसके आगे क्या बना, यहाँ पे लिखा हुआ है,
पर्सुएंट टू द आईटी रूल्स। अब यहाँ पर्सुएंट का मतलब क्या होता है, पर्सुएंट का मतलब होता है अनुसार। सो आईटी नियमों के अनुसार, पर्सुएंट टू द आईटी रूल्स, आईटी नियमों के अनुसार। वी आर वर्किंग टू इम्प्लीमेंट ऑपरेशनल प्रोसेस, वी आर वर्किंग टू इम्प्लीमेंट ऑपरेशनल प्रोसेस, इसका मतलब क्या बना? ठीक है, इसका मतलब आईटी नियमों के अनुसार हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने। अब परिचालन प्रक्रिया क्या होती है? परिचालन प्रक्रिया जो होती है वो होता है ऑपरेशनल प्रोसेस। सो ऑपरेशनल प्रोसेस को हम बोलते हैं परिचालन प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, वी आर वर्किंग टू इम्प्लीमेंट ऑपरेशनल प्रोसेस। ठीक है, हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने एंड इम्प्रूव एफिशियंसीज, और दक्षता में सुधार करने। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बना, वी आर वर्किंग टू इम्प्लीमेंट ऑपरेशनल प्रोसेसेस एंड इम्प्रूव एफिशियंसीज, वी आर वर्किंग टू इम्प्लीमेंट ऑपरेशनल प्रोसेसेस एंड इम्प्रूव एफिशियंसीज। हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं। हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने, जो ऑपरेशनल प्रोसेस है उनको लागू करने और दक्षता में सुधार करने, एफिशिएंसी को और सुधारने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है जी, फेसबुक रिमेन्स कमिटेड। ठीक है, फेसबुक प्रतिबद्ध है, फेसबुक रिमेन्स कमिटेड, या फेसबुक प्रतिबद्ध रहता है, फेसबुक रिमेन्स कमिटेड टू पीपल्स एबिलिटी। ठीक है, टू पीपल्स एबिलिटी टू फ्रीली एंड सेफली एक्सप्रेस देमसेल्फ ऑन अवर प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता के लिए प्रतिबद्ध है। सो फेसबुक रिमेन्स कमिटेड, फेसबुक इस चीज़ के लिए प्रतिबद्ध है, प्रतिबद्ध रहता है टू पीपल्स एबिलिटी। ठीक है, कि लोगों को इस चीज़ की सुविधा रहे, किस चीज़ की, पीपल्स एबिलिटी टू फ्रीली, फ्रीली मतलब खुद को व्यक्त करना, आराम से व्यक्त करना, और सेफली सुरक्षित, कि स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता। ठीक है, खुद को व्यक्त करने की क्षमता के लिए। सो फेसबुक रिमेन्स कमिटेड टू पीपल्स एबिलिटी टू फ्रीली एंड सेफली एक्सप्रेस देमसेल्फ ऑन अवर प्लेटफॉर्म। फेसबुक अपने प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता के लिए प्रतिबद्ध है, कि वो इस चीज़ के लिए कमिटेड है कि लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर खुद को सुरक्षित रूप से और स्वतंत्र रूप से खुद को व्यक्त कर सकें। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, आपके लिए ये कुछ यूज़फुल रहा होगा। अगर कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मुझसे पूछ लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।